Hey what's up guys, you are watching TECHSEET. तो अभी मेरे हाथ में है Samsung Galaxy A20 का बॉक्स. सो बॉक्स के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन हैं, बट यहाँ पर आज बात करेंगे इस फ़ोन के ऐसे टॉप 10 फीचर्स के बारे में जिससे ये फ़ोन यूनिक बनता है. सो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको फटाफट से मिलती रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइज़ इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात ये लगी है मुझे, इस फ़ोन के अंदर आपको मिलती है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले. तो फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स. सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो फ़ोन की लुक है वो काफ़ी बेस्ट है, और बॉक्स के अंदर जो आपको कंटेंट मिलता है वो मिलता है एक फास्ट चार्जर जो कि मिलता है टाइप सी केबल के साथ, और साथ ही साथ मिलती है एक ईयरफोन. तो यहाँ पे कम्प्लीटली बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में, क्योंकि ये फ़ोन आता है 12,490 रुपये में सैमसंग की तरफ से. साथ ही साथ मिलता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल. तो सबसे पहले करते हैं फ़ोन को ऑन और देखते हैं इसकी लुक के बारे में. सो गाइस जैसे कि भी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको मिलती है ग्लास फिनिशिंग जो काफ़ी अच्छी है, और साथ में नीचे की तरफ मिलता है आपको एक USB टाइप सी पोर्ट. सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो डिस्प्ले है वो इन्फिनिटी वी कट डिस्प्ले है जो कि सुपर एमोलेड है. तो सैमसंग की तरफ से ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, आपको जैसे कि पता है सैमसंग की डिस्प्ले हमेशा अच्छी होती है. तो इस फोन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके टॉप ऐसे 10 फीचर्स क्या हैं जो इस फोन को यूनिक बनाते, और इसके अंदर कंपनी ने आपको नया क्या क्या दिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पर अब बताऊंगा इस फोन को टॉप 10 फीचर्स. तो सबसे पहला फीचर जो यहाँ पर निकल गया था वो आता है मल्टी विंडो. सो गाइस मल्टी विंडो एक्टिवेट करने के लिए आपको जस्ट रीसेंट टैब पर क्लिक करना है, और आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखता है एक ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन का, यानी कि स्प्लिट विंडो, मल्टी विंडो कुछ भी कह सकते हैं आप. सो यहाँ से आप एक ही स्क्रीन के ऊपर दो एप्लीकेशन सेम टाइम पर रन कर सकते हैं. इससे आप अपने फ़ोन की पूरी स्क्रीन को यूज़ कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के. तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत सिंपल फीचर है बट काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है. सो सैमसंग ने यहाँ पर बीच में पहले क्या था, सैमसंग के पहले फ़ोनों में ऐड टू होम और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते थे, बट सैमसंग ने वो ब्लॉटवेयर यहाँ से हटा दिया, मतलब सिस्टम पर काफ़ी लोड ना पड़े इसलिए वो कंपनी ने इस चीज़ को हटा दिया, सिर्फ सिंपल मल्टी विंडो रखा है. सो गाइस यहाँ पर काफ़ी ये फीचर काफ़ी अच्छा है. अब बात करेंगे इसके दूसरे फीचर की जो कि निकल के आता है इसका नाइट मोड. सो नाइट मोड वाइज क्या है गाइस, यहाँ पर एक सिस्टम में एक थीम होती है जो कि डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की तरफ से है, जो कि क्या होता है कि आपका पूरा फ़ोन जो वाइट कलर की थीम में आता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है. तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर ब्लैक कलर का मतलब होता है कि आपकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस वो बढ़ेगी, बैटरी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि ये डिस्प्ले जहाँ पर ब्लैक कलर प्रोड्यूस करती है वहाँ पर ये शट डाउन यानी कि ऑफ हो जाती है. सो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कह सकते हो आप एक कलर भी मिलेगा, थीम भी मिलेगी, और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगी. सो इसे ऑन करने के लिए आप जस्ट सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं या फिर आप ऊपर से ड्रैग डाउन कर सकते हैं. सो गाइस मूव करते हैं इसके तीसरे फीचर की तरफ जो काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि टाइपिंग से जुड़ा हुआ है, यह इसका फ्लोटिंग कीबोर्ड. सो गाइस आप जैसे कीबोर्ड को यूज़ करते हो तो आप अपने कीबोर्ड को डिस्प्ले पे कहीं भी लगा सकते हो, जो कि नॉर्मल फ़ोन में पॉसिबल नहीं है विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के. सो यहाँ पर आप जैसे कीबोर्ड की सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर आप कीबोर्ड को स्क्रीन पर कहीं भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आपको ऐसे कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है जब आप कोई वेब ब्राउजिंग करते हैं या फिर किसी खास एप्लीकेशन को यूज़ करते हो. सो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है. साथ ही साथ इस कीबोर्ड को आप वन हैंड भी यूज़ कर सकते हो. तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बड़ा फ़ोन है और आप इस बड़ी स्क्रीन को एक हाथ से यूज़ कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो पूरे फ़ोन को. सो गाइस बात करते हैं हम इसके अगले फीचर की जो कि निकल के आता है एसिक्योर फोल्डर, यानी कि ये सैमसंग का एक खुद कह सकते हो कि एक प्राइवेसी है, यानी कि आप अपने फ़ोन के अंदर एक छोटा फ़ोन बना सकते हो. मैं अपने दूसरे फ़ोन में आपको दिखाता हूँ. तो जैसे आप इसे सेटअप कर लेंगे तो आपको इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पर आप एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, फाइल्स भी लगा सकते हो और एप्लीकेशन को इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, साथ ही साथ लॉग भी कर सकते हो. और ये आपके फ़ोन के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर है, बट आप इसे पासवर्ड के साथ खोल सकते हो. तो यहाँ पर आप अलग से गैलरी बना सकते हो, कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो और कोई भी एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल कर सकते हो. ये सारा डेटा आपका मेन फ़ोन में आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब बाहर नहीं दिखेगा. साथ ही साथ आप व्हाट्सएप भी दूसरा डाल सकते हो यहाँ पर. तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब आपकी प्राइवेसी काफ़ी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है और ये फ़ोन आपको बहुत ही अच्छी प्राइवेसी देता है. तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आगे मैं आपको एक ऐसा फीचर बताऊंगा जिससे आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा. सो ये काफ़ी बेस्ट फीचर होगा. तो चलिए आगे देखते हैं. सो यहाँ पर जैसे आप पैटर्न वगैरह लगा सकते हैं, तो मूव करते हैं अब अपने हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ. सो गाइस वो आता है इसका फिंगरप्रिंट से जुड़ा हुआ. सो बैक साइड जैसे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट है, तो आप इसे जेस्चर की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट को आप जैसे सेटिंग्स में टाइप करोगे, यानी कि जैसे ही फिंगरप्रिंट टाइप करोगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट जेस्चर इसे आपको ऑन करना होगा. ऑन करने के बाद अपने फिंगरप्रिंट को जैसे ही आप नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करते हैं आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी नीचे आ जाता है, यानी कि आपको काफ़ी
मदद मिलेगी फिंगरप्रिंट से अपने नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इसे नीचे करेंगे, आपका नोटिफिकेशन पैनल भी नीचे हो जाएगा, और जैसे ऊपर करेंगे उसे आप ऊपर भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी हैंडी है। बात करते हैं आप दूसरे फीचर की तरफ, जो कि इसका वन हैंड मोड। गाइस 6.4 इंच की डिस्प्ले है, तो यानी कि एक हाथ से चलाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा मोड मिलता है। जस्ट आप इसे सेटिंग से ऑन कीजिए, और जैसे ही कॉर्नर से आप बीच में स्क्रीन की तरफ स्वाइप करेंगे, फ़ोन आपका छोटा सा हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको एक छोटा सा फ़ोन दिखेगा, जो कि वन हैंड की तरफ यूज़ होता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और यूज़फुल फीचर है। बात करते हैं गाइस इसके आप अगले फीचर के, जो कि पाम कैप्चर। गाइस स्क्रीनशॉट लेने का सबसे आसान तरीका इस फ़ोन के अंदर मुझे यही लगता है। जस्ट आप इसे ऑन कीजिए सेटिंग्स में, और जैसे ही आप पूरे हाथ को इसके ऊपर से स्वाइप करेंगे, पाम को स्वाइप करेंगे, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। देखते हैं आप, ये देखिए गाइस, यहाँ पर काफ़ी ईजी तरीके से मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, और ये सब कुछ आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत ईजी फीचर है। अब बात करते हैं गाइस इसके अगले फीचर की, जिससे आपका फ़ोन हैंग भी नहीं होगा, और ये फ़ोन बहुत ही यूज़फुल है, आपको यूज़ करना चाहिए, आप इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर आता है एक स्टोरेज बूस्टर, यानी कि ये मिलेगा आपको डिवाइस केयर के अंदर। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बैटरी स्टोरेज। तो हम जाएंगे अभी स्टोरेज पर। सो यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन कितना डेटा ले रही है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन ने कितना डेटा लिया है, और साथ ही साथ आप उसे वहाँ से क्लीन भी कर सकते हो। और ये जो पावर्ड बाय देख सकते हो, यहाँ पे 360 है, यानी कि एक एंटीवायरस बिल्ट इन आपको मिलता है। एक एप्लीकेशन इसके सिस्टम वाइज ही आपको इंटीग्रेटेड मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे मोड सेटिंग्स में जाते हैं स्टोरेज के बाद, सो यहाँ से आप ये कमांड सेट कर सकते हैं, या फिर आप एनालाइज भी कर सकते हो कि आपकी कितनी MB कौन सी एप्लीकेशन ने, मतलब आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो एक एक चीज़ यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर जैसे बैक करने के बाद आप जाते हैं स्टोरेज सेटिंग्स पर, तो यहाँ पर आप वो एप्लीकेशन देख सकते हो और वो सारा फाइल्स देख सकते हो जहाँ पर आपका डेटा यूज़ है। और यहाँ पर जैसे आप एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसे आप सेट बस यहाँ पर आप शॉर्ट वाइज साइज़ वाइज कीजिए। साइज़ वाइज क्या होगा, जो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा MB यहाँ पर लेगी, या फिर जितनी भी डेटा वो कंज्यूम करेगी, वो सबसे ऊपर आएगी। तो यहाँ पर मेरा अभी इंटरनेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग इंटरनेट सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा MB का भी यही है। गाइस मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है फेसबुक मैसेंजर और गूगल क्रोम। तो यहाँ पर आप खास तौर से एक बार ज़रूर यहाँ पर चेक कर लीजिए, मतलब 10 से 15 दिन में या फिर एक महीने में अपने फ़ोन को, कि यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन कितनी बड़ी होगी, कितना डेटा कंज्यूम कर रही है। सो यहाँ पर आप जो मैंने जो समटाइम्स जो मैंने नोट किया है, वो गूगल क्रोम ही सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है, और उसके बाद जो फेसबुक एप्लीकेशन आती है वो कंज्यूम करती है। तो यहाँ से आप उसे क्लियर कर सकते हो, कैचेस वगैरह हटा सकते हो, डेटा क्लियर कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपके फ़ोन की जो मेमोरी है वो आपका फ्री रहेगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर बल्क में एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशन आपके काम की ना हो। तो ये काफ़ी आपका टाइम बचाएगी, और काफ़ी आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी। ऐसा करने से आपका फ़ोन कभी हैंग नहीं होगा, क्योंकि जो गाइस फ़ोन हैंग होते हैं वो इसीलिए हैंग होते हैं क्योंकि आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। सो गाइस अब बात करेंगे इसके अगले फीचर की, जो कि निकल के आता है इसका बैटरी। सो बैटरी वाइज गाइस मैं वहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बहुत ही अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मिलता है एंड्रॉयड पाई, तो पाई के ऊपर जो बैटरी का जो कंजप्शन है बहुत कम है, क्योंकि जो पाई का जो सॉफ्टवेयर गूगल ने आपको दिया है वो बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हो कि आपको AI पावर्ड है, मतलब वो आपको एनालाइज करेगा, अडेप्ट करेगा कि आपका यूसेज क्या है बैटरी का, उसके हिसाब से करेगा। और साथ ही साथ सैमसंग ने भी इसे कस्टमाइज़ किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको चेक करना है बैटरी यूसेज। यूसेज चेक करने के बाद आप देख सकते हो कौन सी एप्लीकेशन कितना डेटा ले रही है, और साथ ही साथ आप जब सेटिंग्स में जाओगे तो सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से, वो है आपका स्लीपिंग ऐप्स। इस ऐप पर तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उन एप्लीकेशंस को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में विदाउट परमिशन चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे, दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशन, यहाँ पर सबसे पहले नेम्स को हटा के आप सेलेक्ट कीजिए यूसेज वाइज। बैटरी यूसेज वाइज जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी ले रही है, तो उन एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और जस्ट ऐड कीजिए। अब ये एप्लीकेशन जब तक आप इन पर क्लिक नहीं करोगे, बैकग्राउंड में या फिर फ्रंट ग्राउंड में रन नहीं करेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी है, इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी
बढ़ जाएगी, और जब बैटरी कंज्यूम नहीं होगी तो मतलब आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, फ़ोन आपका काफ़ी फास्ट चलेगा। तो ये गाइस काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको ये यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शन मैं आपका और बता देता हूँ। यहाँ पर आपका अंदर ऑटो डिसेबल अनयूज्ड ऐप, इसे ऑन कर दीजिए। अडैप्टिव बैटरी को आप ऑन रखिए, और फास्ट केबल चार्जिंग, यहाँ पर जो केबल यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल आप इसे ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका जैसी केबल अच्छी क्वालिटी की कनेक्ट होगी, मतलब ओरिजिनल केबल जैसी कनेक्ट होती है, और ये फास्ट चार्जर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो ये काफ़ी बेस्ट फीचर्स गाइस मैंने आपको बताए। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो आपको तो मुझे कमेंट कीजिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम। Digitek Wireless Microphone.